मैं सुबह को 8 बजे से क्लास ले रहा था और फिर मैंने सोचा मैं 12 बजे क्लास खत्म करके सो जाऊंगा। बट फिर विक्रम को समझाने बैठा और वो इतना भोंदू लड़का है कि मेरा 12 बजे जो क्लास खत्म होने वाला था वो 12:40 को खत्म हुआ। बट आई डोंट ब्लेम हिम। अभी का जो टाइम है मतलब इट कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग अबाउट द डिसीजंस यू मेक, है ना। तो मतलब मैं जितना होता है उतना अपने स्टूडेंट्स को डांस के अलावा लाइफ में भी गाइड करने का ट्राई करता हूँ, मतलब मेरे से जितना हो सकता है उतना। बट अभी फिलहाल मैं प्रोटीन पीना चाहूँगा क्योंकि गेस व्हाट गाइस, मेरा फेवरेट फ्लेवर, मेरा बच्चा मारुडी ग्रो, ये तो मैं लेता ही हूँ। बट इसके साथ अपन ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ यूट्यूब। पहले ऋतिक करता था ये शायद से मूवीज में पूरा टाइम, मतलब और मेरे को बता आप सारे कैसे, बढ़िया बहुत सही मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। गाइस मेरे को चाहिए कि तुम लोग कुछ करो ना करो बट मेरे लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जरूर ट्राई करो। ओहो मजेदार मजेदार, आहा दो स्कूप लूंगा, वाह। मैं ये भी लेके आया हूँ, ये मतलब कभी कभी मेरे को ऐसा शुगर क्रेविंग होता है, तुम्हें ये पी डालता है दोस्त, सोचता नहीं है पी डालता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हनी और शुगर अलग है, शुगर शुगर है, वो तुम कोई भी हमने कंज्यूम करो, तुम गुड़ लो, तुम शुगर लो, तुम हनी लो, सब सेम है, खाली थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं उसमें, बट एट द एंड इट्स शुगर गाइस। बट अगर तुम सोचते हो कि मैं शायद से शुगर के बदले अगर हनी लेती हूँ और वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है तो नो, अच्छा ऑल्टरनेटिव शुगर के नाम पे खाली ये है वेट्स। अभी मिल नहीं रहा मेरे को, बट स्टीविया का 0 कैलोरी स्वीटनर आता है तो वो अच्छा है, मैं फोटो लगा दूंगा उसका। तो अगर तुमको शुगर कट ही करना है बट अगर तुमको शुगर का ऐसा थोड़ा सा एसेंस चाहिए तो तुम लोग वो यूज करो, लेकिन बाकी ये तो पक्का यूज करो। अगर काए है शेट, हम लोग लेट हो गए, मतलब वैसे प्लान्स तो नहीं था बट फिर हमने सोचा ओह शेट टू मच एक्सपोजर गाइस, वेट अ मिनट, शूज बहुत दुखते हैं तो मेरे को जाने दो, जा जाओ भाई। परफेक्ट। तो हम लोग का वैसे प्लान्स नहीं था जाने का बट फिर हमने सोचा कि आज तक मतलब 3 साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, हाँ भैया 3 साल से मैं, और तुम लोग बोलते हो एक पेट लेना चाहिए, हो गया फिर पूरा टाइम उसको ही सुनना, वही बात करेगा, उसका ही चैनल बना दूंगा। तो मैं बोल रहा था कि हम लोग 3 साल से यूट्यूब कर रहे हैं मतलब मैं, और मैंने कभी भी टाइमलाइन के हिसाब से कुछ चीज़ सेलिब्रेट नहीं किया, हमेशा होने के एक दिन बाद गया है या वो टाइम पे। तो ऐसा जो सोचा कि इस टाइम वैलेंटाइंस है आज तो हम लोग को तुम्हारे साथ मना लेना चाहिए। तो अभी हम लोग एक कैफ़े जा रहे हैं, कैफ़े रेस्टोरेंट कहीं तो भी जा रहे हैं, देखते हैं हम लोग को भी लेके चलते हैं साथ में। आज के दिन में हम तुम्हारे वैलेंटाइंस है, इफ़ यू डोंट हैव अ वैलेंटाइंस डोंट वरी वी आर योर वैलेंटाइन, है कि नहीं। चलो व्हाट्स अप गाइस, पता नहीं मेरे कुछ भी करने से पहले ये हंस देता है। मैं सोच रही थी कि सिंस मैंने कल मेरा फर्स्ट वीडियो शूट किया ये कैमरा पे तो अभी मेरे को ऐसे थोड़ा अटैचमेंट हो गया ऐसा लग रहा है, तो इतने अच्छे से पढ़ा हुआ था तो मैंने सोचा बात कर लेती हूँ, इससे बात करूंगी उसके थ्रू तुम लोगों से बात कर लूंगी, और हम लोग कुछ क्या कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सोच रहे थे। हाँ सो हमने ये सोचा कि मतलब अभी सिर्फ ऐसा सोचा, आगे तुम लोग बताओ सिंस तुम लोगों को ये। हाँ एग्जैक्ट, हम लोग ये सोच रहे थे कि सिंस अभी इसके चैनल पे व्लॉग्स और रिएक्शंस का काइंड ऑफ एक मिक्स जाता है, ये चैनल पे मोस्टली कमेंट्री और रिएक्शन और एक आधा कभी व्लॉग टाइप का कुछ चला गया तो चला गया, सो हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा इसको अच्छे से सेग्रीगेट करने के लिए इसके चैनल पे डेली व्लॉग्स करें, सोनली डेली व्लॉग्स, और वो हर दिन अपलोड करेंगे और मेरे चैनल पे सिर्फ रिएक्शन व्लॉग्स,
इंक्लूडिंग फूड व्लॉग्स पे रिएक्शन एंड स्टफ जो यूजुअली इसके चैनल पे होता है, बट मतलब क्योंकि सब लोग सजेस्ट कर रहे थे कि रिएक्शन का एक अलग चैनल बनाओ, और मतलब ऐसा होता है कि यूट्यूब एल्गोरिथम थोड़ा सा किल करता है कि एक टाइप के कंटेंट को यूट्यूब पुश करता है, ठीक है। अब सिंस मेरे चैनल पे रिएक्शन हो गया, रिएक्टिंग हो गया, कॉमेंट्री हो गया, व्लॉग्स हो गया, डांस वीडियोज भी मैं इसमें ही डालता हूँ, तो यूट्यूब को पता ही नहीं चलता है कि मेरा चैनल है क्या एक्चुअली। तो उसके लिए वो वैसा ये करता है, तो कि ऑडियंस डिवाइड करता है, जो लोग जो टाइप के कंटेंट के लिए इंटरेस्टेड रहता है ना उनको सिर्फ उतना ही भेजता है। स्मार्ट हो गया। हर कंटेंट क्रिएटर का एक फेज आता है कि उसको समझना पड़ता है कि उसका टाइप ऑफ कंटेंट क्या है। अब हमारी गलती नहीं है कि हम इतने टैलेंटेड है है ना, कि हम व्लॉग्स भी अच्छा करते हैं, हम बात भी अच्छा करते हैं, हम कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, हम खाने भी अच्छे खाते हैं, तो वो हमारा मिस्टेक नहीं है ना। अब इसके लिए 10 चैनल मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, जबकि तुम्हारा चैनल ऑलरेडी है हमारे पास, तो क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए ना, क्योंकि जैसे हम लोग ने पॉडकास्ट बनाया, अब आइडियाज इतने सारे हैं, बट हम लोग दोनों काम में इतने बिजी रहते हैं, हमेशा ये वो आते रहता है कि थर्ड चैनल ही हैंडल नहीं हो रहा है, दोनों का ही दूसरा चैनल है ये समझ। इट विल बी रियली हेल्पफुल अगर तुम लोग हम लोग को सजेस्ट करो कि क्या करना चाहिए, हम या ऐसे ही रखे जैसा चल रहा है, मेरे इस पे ही रिएक्शन ये सब हो गया वो सब हो गया। एनीवे गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, मेरे को नाम भूल गई मैं, हाँ फिलोई जा रहे हैं वैलेंटाइन ब्रंच के लिए तुम्हारे साथ। वीडियो गाइस, हमारा वैलेंटाइन तो कल बनेगा गाइस। हाँ हम लोग सोच रहे थे कि वैलेंटाइन पे वापस से 5-star होटल बुक करे और ये करे वो करे, बट फिर ऐसा दिमाग में आया कि नहीं वो कर सकते, बट फिर गाड़ी भी सर्विसिंग पे डालने हैं, है ना, और ये गाड़ी अभी हमारा है, हम चलाते, तो इसका सारा खर्चा नुकसा पुकसा हमको ही उठाना पड़ेगा। तो एक दिन होटल डाले या एक बार गाड़ी सर्विस करा के 3 महीने तक मजा मारे, इसमें हमने चूज किया कि हम गाड़ी को सर्विस मारेगा और कल घर पे चाइनीज बैठ के खाएगा, क्योंकि हमारा वैलेंटाइन तुम्हारे साथ मन गया, तुम्हारे साथ मनाए, हम एक दूसरे के साथ मनाए, हमारा वैलेंटाइन पिछले 2-2.5 साल से मन ही रहा है, तुम्हारे साथ ही मन रहे हैं। हाँ। बट फिर वो हमारे हिसाब से मनता था, आज हमने तुम्हारे लिए किया। तुमको नहीं लगता कि हम 2022 में ज्यादा सोशल हो रहे, थोड़ा सा केयरिंग हो रहे हमारे सब्सक्राइबर्स को लेके, बहुत ज्यादा मतलब उनका रिक्वेस्ट सुन रहे, क्योंकि इससे 2 साल पहले मैं नहीं सुनता था किसी का भी, मेरे को जो करना मैं वही करता था, बट फिर मेरे को लेटली अंडरस्टैंड समझाइए कि लोग अपने फैंस को इतना क्यों मानते हैं। मैं अपने प्रोसेस के थ्रू समझ रहा हूँ, और वैसे ही हर किसी को समझना चाहिए। आई थिंक तुम अगर अपने प्रोसेस के थ्रू समझेगा तो वो चीज ज्यादा ऑनेस्ट है, इंस्टेड ऑफ कि हाँ चलो ये लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, मुझे भी यही करना होगा। नहीं मतलब कैसा होता है कि लोग कुछ करते ही नहीं है, किसी ने कुछ किया ही नहीं, और तभी बोलने लगते कि मेरे फैंस ने मेरे को सब कुछ किया, ये कुछ किया, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे लिए पिछले 2 साल से मैंने सिर्फ मतलब हेट से फेस किया, फेस टू फेस आया हूँ, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, विद टाइम मैं देखने लगा कि मेरे हेट को मेरे फैंस लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। बहुत बार मैं कॉमेंट्स में देखता हूँ कि मेरे को कोई उल्टा सुल्टा लिखता है, तो पहले मैं खुद ही होता था लिखने के लिए, अभी सब मेरे सब्सक्राइबर्स लोग हैं, बाकी मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरे को इतना हेल्प करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जैसे मैंने कुछ बड़ा ही उखाड़ा है, जबकि वो नहीं होता है, बट इट्स वेरी स्वीट ऑफ देम टू डू दैट। तो इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि आई नो व्हाट शाहरुख फील्स फॉर हिज फैंस, नाउ आई अंडरस्टैंड थ्रू प्रोसेस, आई मीन आई स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड थोड़ा थोड़ा, अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं कम्प्लीटली ऐसा ऑनेस्टली ये कर रहा हूँ, बट मैं समझ रहा हूँ, मैं ये विद टाइम शायद से मैं बहुत ज्यादा समझ जाऊंगा, अभी तो बहुत कुछ देखना है गाइस साथ में, है कि नहीं गाइस। अगर बहुत ज्यादा कैमरा हिल रहा है तो वो इसके लिए, क्योंकि मतलब मेरे पास कुछ ऐसे एक्सक्यूज नहीं है, बस मेरे आर्म्स में उतना ही स्ट्रेंथ है जितने एक 2 स्पेगेटी नूडल्स में होता है मिला के उतना ही है, टोटल उतना ही है। मेरे को मार खाते हुए तो लगता नहीं है 2 स्पेगेटी नूडल्स। ये देखो मैं अरे तुमको मारने में एक अंदर से एक वो स्पिरिट आता है ना कि फक आज मार दूंगी, तांजी रहती हूँ। हाँ सोते सोते ही मार सकती हूँ। क्या उसकी बहन कौन है? नेस्को। हाँ जो नेस्को है। हाँ तुझे बोले गई ना भाई, बड़ा वाला नेस्को है। मुस्काना बंद कर पहले। अरे गाइस अभी हम लोग तुमको पहुंच के मिलते हैं। बाय गाइस।
गलती हो गया, सब कुछ स्लो मोशन में रिकॉर्ड हुआ मेरे इससे पहले, क्योंकि मैं डूबा डूबा सा रहता हूँ इसकी आंखों में। या तो फिर हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम तुम्हारे साथ वैलेंटाइन मना रहे हैं, तो इसीलिए भी हो सकता है, बट जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक बार खा कर दे। भाई तेरा चीज बहुत पसंद है पहनना मेरे को। गाइस ये मेरे को चिल्ला रही थी ऑफ कैमरा इसका बीनी पहनने के लिए। मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, आज वैलेंटाइन्स है फिर भी ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है, पता नहीं क्यों। आज वैलेंटाइन्स है इसके तुम्हारा बीनी छीन के निकाला नहीं मैंने। अच्छा। पहनने दिया वैलेंटाइन्स गिफ्ट। हैप्पी वैलेंटाइन्स। हैप्पी वैलेंटाइन्स। हैप्पी वैलेंटाइन्स तुम लोग सब लोग को भी गाइस, है कि नहीं। आई होप तुम लोग को मजा आया आज के दिन पे। तुम सिंगल हो, तुम कमिटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारे वैलेंटाइन्स है, तुम हमारे वैलेंटाइन्स हो, ठीक है। ये हमारा रिश्ता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि तुम मेरे को किस लेते हुए देख रहे हो और मैं किस ले रहा हूँ, तो इतना बड़ा कुछ सोचने वाला बात नहीं है। बट फिर भी बात है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सब समझदार है अपने भाई लोग, ऑब्वियसली सबको थोड़ी ना मिलेगा मुझे। है कि नहीं, प्लीज मेरे को बताना तुम लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। और बाकी और आज का जो हम कैफे गए थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं मेरी तरफ से बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्पॉन्सर्ड या अफिलिएटेड है, मैं अपना कैमरा लेके सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक छोटा सा मूवी मतलब ऐसा छोटा सा रीकैप बनाया जो तुम लोग देखो, क्योंकि मेरा कैमरा मतलब बवाल रिकॉर्ड करता है, ठीक है, बवाल रिकॉर्ड करता है। तुम लोग देखो, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड या अफिलिएटेड नहीं है, और जितना हम लोग ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। इंशाल्लाह मैं ये कर इसके लिए रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मेरे को स्पॉन्सर्ड और पैसा मिले ये सब करने का, है कि नहीं। फिंगर्स क्रॉस, तभी तुम्हारा भाई मतलब खुल के बताएगा। अभी भी खुल के बता रहे, तभी भी खुल के बताएगा, है कि नहीं। और जेन्युइनली खाना और सर्विस और मतलब पूरा ओवरऑल एंबियंस बहुत ज्यादा अच्छा है, और लाइव म्यूजिक भी था, और जो सिंगर्स थे, जो पूरा बैंड था, वो लोग भी अच्छे थे, है कि नहीं। तो तुम लोग को जाके देखना चाहिए। और बाकी हम लोग को भी वैलेंटाइन्स विश करो। तुम लोग सिंगल नहीं हो, तुम लोग अकेले नहीं हो। लोग बोलते हैं कि सिंगल लोगों के लिए नहीं होता वैलेंटाइन्स, बट हम है हर सिंगल लोगों के लिए, है ना। हमें बिल्कुल घमंड नहीं है कि हम कमिटेड है उस बात का, ठीक है। इट्स ऑल द सेम, वी आर कमिटेड टू यू गाइस, है कि नहीं। वीडियो देखो और प्लीज मतलब मैंने जो व्लॉग में हमने जो पूछा है हमारा चैनल स्वॉप के बारे में, उसके बारे में प्लीज बताना। मतलब तुम मस्ती करो, मतलब ऐसा ऑब्सेशन अच्छा है कि मैं वीडियो डालते ही लोग बोलते हो फर्स्ट व्यू बहुत भाई, लव यू भाई, मतलब बहुत मतलब इतना अच्छा लगता है ना, मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता कितना अच्छा लगता है। बट उसके साथ सीरियस क्वेश्चंस का भी अगर हम लोग को आंसर कर दोगे तो हम लोग को बहुत हेल्प होएगा ग्रो करने में, है ना। तो बस होएगा तो वो करो, है कि नहीं। बाकी अभी तुम लोग वीडियो देखो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। टेक केयर, बाय, पीस।